ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो ये श्यामलाल शर्मा के नामांकन की तस्वीरें हैं। अपने घर पुरखू से ये सफर शुरू हो गया और ये सफर अब चल रहा है, एसडीएम ऑफिस जानीपुर तक जाएगा, बीच में बड़ा पड़ाव आएगा, उससे बात श्यामलाल जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर पहली प्रतिक्रिया, सफर शुरू हो गया। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की खालिस सरकार बनानी है। नारी शक्ति से मैंने बात की, जो आपके यहाँ आए थे, बड़ी उम्मीदें, बड़ा भरोसा लेकर आपके पास आए हैं। मुझे लगता है कि उनका भरोसा जायज है और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि उनका भरोसा जो है वो कायम दायम रखेंगे हम। शुक्रिया श्याम जी हमसे बात करने के लिए, इतने बिजी शेड्यूल में भी आप हमारे लिए बात समय निकालते हो। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो ये पुरखू की हैं, श्यामलाल शर्मा जी के रेजिडेंस की तस्वीरें हैं और ये काफिला शुरू हो गया नॉमिनेशन फाइल करने का। हजारों की तादाद में श्यामलाल शर्मा के सपोर्टर जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं आपको, ये सीधी तस्वीरें। वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में क्योंकि ये गाड़ियां इतनी तेज नहीं चल सकती, क्योंकि पूरा रोड जो है वो चौक हो चुका है इनके सपोर्टरों की वजह से, क्योंकि वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं इस रैली का, कुछ देर के लिए श्यामलाल जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नामांकन मैंने कवर किया है कभी, मुझे नहीं लगता। मैं मेंबर पार्लियामेंट के भी नामांकन कवर किए, वहां भी इतना भारी रश नहीं था जो श्यामलाल शर्मा की नामांकन में है, इस रैली में है। ये तस्वीरें जो हैं ये सब कुछ बयां कर रही हैं। एक लंबा जाम, एक लंबी लाइन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सीधी तस्वीरें, कुछ और लोग भी यहाँ है, बात करते हैं कुछ लोगों से। तो क्या नाम है आपका? हरदेव सिंह। हरदेव जी साथ जाएंगे, पूरा पूरा साथ जाएंगे और पूरा साथ आएंगे। श्यामलाल जी से इतना प्यार क्यों? बीजेपी पार्टी से प्यार है तो श्यामलाल से भी, इतना अच्छे काम करते हैं और सभी इलाके से मिलजुल कर रहते हैं। आपका नाम क्या मैम? बिंदु सर। बिंदु जी, बिंदु जी क्या लगता है कि श्यामलाल जी ये सीट निकाल लेंगे? बिल्कुल सर, 100% निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। सामने अजय श्रोत्रा साहब है, पुराने खिलाड़ी है वो भी। बिल्कुल सर, है तो पुराने खिलाड़ी है, लेकिन ये सर पुराने खिलाड़ी तो हैं, लेकिन सर ये हिंदुओं की बीजेपी सरकार जो है हिंदुओं की है, हिंदुओं के हित में है, तो इसलिए सर हम इनके साथ हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की, कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं। क्या नाम आपका? संजय शर्मा सर। संजय जी क्या कहेंगे कुछ शब्द श्याम जी के लिए, क्यों इतनी गर्मी में मोटरसाइकिल पर सवार होकर, क्या जरूरत थी? श्यामलाल जी दिलों की धड़कन है सर हमारी। पहले अखनूर में उन्होंने एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, जो विकास अखनूर में कराया है, मैं बोलता हूँ कि जम्मू नॉर्थ वाले खुशकिस्मत है जो ऐसा नेता उनको मिल रहा है। अब जम्मू नॉर्थ की बारी है, पहले विकास अखनूर में करवाया, अब जम्मू नॉर्थ की बारी है। अब लगता है कि ये मौका छोड़ना चाहिए जम्मू की जनता को? बिल्कुल नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। अब ये मौका हाथ से गया तो 5 साल वेस्ट जाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाथ में झंडा, गले में भारतीय जनता पार्टी के नाम का गमछा, और ये तस्वीरें। क्या नाम है सर आपका? राम ध्रुव शर्मा सर। शर्मा साहब एज ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी इस रैली का हिस्सा क्यों? सर श्यामलाल के लिए हमारी जान भी हाजिर है और भारतीय जनता पार्टी के श्यामलाल जी बड़ी लीड लेकर जीतेंगे। जीतेंगे हाँ पक्का। सामने अजय श्रोत्रा साहब है, कोई बात नहीं, फिर क्या है, जीतेंगे जीतेंगे। ये सीधी तस्वीरें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बीच बीच में जाकर लोगों से बातचीत कर सकूं, उनसे उनकी राय ले सकूं। एक और गाड़ी है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लगते हैं मुझे। सर क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह जम्वाल। जम्वाल साहब क्या कहेंगे इस रैली के बारे में? ऐसी रैली तादाद में लोग हैं, ऐसी रैली हमने पिछले 25-30 साल से नहीं देखी। मैं स्वच्छ भारत का प्रधान बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर यूटी का, और श्यामलाल जी बहुत बड़े लीडर हैं, आपने देख ही लिया, ऐसी रैली कभी नहीं मिलेगी। 25-30 साल से हमने भी देखते हो गया, लेकिन जो विश्वास लोगों का इनके ऊपर है, ऐसा विश्वास किसी के ऊपर नहीं हो सकता। श्यामलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया साहब बात करने के लिए। यही विश्वास है लोगों का और इसीलिए इतनी भारी तादाद में श्यामलाल के सपोर्टर जो हैं उनकी इस नामांकन का हिस्सा बने हैं। आगे की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन अगर हम बात करते रहेंगे, मुझे लगता है कि श्यामलाल शर्मा जी की गाड़ी जो है 1.5-2 किलोमीटर आगे चली गई होगी, लेकिन पीछे जो टेल है वो खत्म होने पे नहीं आ रही है, अभी इससे भी पीछे 1.5-2 किलोमीटर लाइन है।
इसलिए मैंने कहा कि इससे इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जन समूह, हजारों की भीड़ में लोग, भीड़ नहीं कहूँगा इसमें, हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में शामलाल जी को लोगों का प्यार मिल रहा है। तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।